तो हियर फॉर्म टू सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस राइट तो आज यू नो इन सिंपल सेंटेंस येस सिंपल सेंटेंस मींस देर शुड बी ओनली वन फाइनाइट भर राइट बट इन दिस सेंटेंस हियर यू विल फाइंड हियर ईच एंड अनदर भर सिंग्स यू नो देर आर टू फाइनाइट भर्स राइट तो हियर यू हैव टू चेंज इन टू सिंपल सेन्टेंस ओकेर द आंसर यू हैव टू राइट सिकंदर माई बेस्ट फ्रेंड सिंग्स वेरी वेल तो हियर जस्ट यू हैव टू यूच कमा राइट सिकंदर My best friend sings very well. So, here you will find there is only one finite verb, right? So, this is a simple sentence. Clear? Then, next question here. Kolkata, which is also known as the city of joy is the capital of West Bengal. So, here you will also find there are two finite verbs each and also each, right? So, here you have to write only one verb, one finite verb, okay? So, here you have to write the answer. कलकत्ता द सिटी ऑफ जॉय इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बेंगल तो हियर यू विंड इज ओनली वन फाइन आइट वर ऑर यू कैन ऑलसो राइट द सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बेंगाल ओके दिन टू इज यू कैन ऑल्सो फॉर्म द आंसर राइट देन नेक्स्ट हियर अर्जुन रानकंगा हू प्लेड फॉर द श्रीलंका cricket team is my favorite sports person. So here you find there are two finite verb played and also each. So uh, you have to change into simple sentence. That means you have to use only one finite verb. Right. So here you have to write Arjuna Ranatanga playing for the Sri Lanka cricket team is my favorite sports person. So here you find there is only one finite verb each. Okay. And playing uh, you know this is non finite verb. Right. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर लास्ट समर आई विजिटेड काठमांडू हुई इज द कैपिटल ऑफ नेपाल दु हियर यू ऑल्सो फाइंड देर आर टू फाइनाइट भर विजिटेड एंड ऑल्सो इज तो नाउ यू हैव टू यूज ओनली वन भर राइट आर यू नो इन सिंपल सेन्टेंस देर इज ओनली वन देर इज वी यूज ओनली वन फाइनाइट भर राइट तो हियर यू हैव टू राइट द आंसर लास्ट समर आई विजिटेड काठमांडू द कैपिटल ऑफ नेपाल राइट तो आज नो हियर ओनली वन फाइनाइट सो दिसंपल व्हिच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड सागर इन द नेपाली लैंग्वेज हियर यू आल्सो फाइंड आर टू फाइनाइट वर्ब इज एंड आल्सो इज नाउ यू हेव टू यूज ओनली वन फाइनाइट भर टू मेक इन सिंपल सेंटेंस राइट हियर यू हेव टू राइट माउंट इवरेस्ट राइट कम्मा

एंड रिपोर्टेड भर यू नो सिंपल पास्ट दैट मींसर द रिपोर्टेड चेंज इन टू पास पास हियर यू हैव टू राइट दियर स्मिता इनफॉर्मड जीना दैट टू हियर यू नो आर्जेटिव ऑल्सो चेंज युअर फादर युअर फादर यू नो दिस इज पॉजिटिव आर्जेटिव राइट तु हियर युअर फादर मीन्स यस जीनाज फादर तू हियर यू नो हॉर फादर हॉर फादर हार्ड कॉल्ड हर तो यू रेफर्स टू यस जिन्ना तो हियर हार्ड कॉल्ड यू नो दिस इज पास्ट परफेक्ट तो हियर सिंपल पास्ट चेंज्ड इन टू पास्ट परफेक्ट क्लियर देन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर जीना सेड टू स्मिता आई हेड ऑलरेडी स्पोकन टू हिम तो हियर यू फाइंड द रिपोर्टिंग भर और द भर वी इज इन दिंपल पास्ट एंड द रिपोर्टेड भर यू नो पास परफेक्ट दू हियर पास्ट परफेक्ट वील रिमेन सेम राइट

The attendant informed uh, reserve, Mrs. Uh, Oral okay, Money wants to see you. So, you know, here the reporting verb is in the simple past and reported verb, simple present. So, here reported verb will change into simple past. That means wanted, right? And pronoun will also change you. You means you know, yes, reserve. So, here you have to mention him, right? So, here the answer. The attendant informed reserve that Mrs.

तो हियर यू हैव टू मेंशन ओके तो ओकेर आई टोल्ड यू स्टार्ट राइट दैट इट माइट ओके मे चेंजेस इनटू माइट रेन टू नाइट विेंज चेंज इनटू दैट नाइट राइट देन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर द टीचर एक्स्ट कैन यू कैन एनी वन हेल्प मी कैरी दीज बोर्ड्स नो हिपोर्टिंग पास्ट एंड रिपोर्टेड नो कैन यू नो प्रेजेंट मॉडलो क्वेश्चन यू हेव टू यूज इफ और वेदर राइटर राइट द टीचर एक्स्ट इफ ओके इफ एनी वन कोड तो यू नो हि कैन सिंपल प्रेजेंट यूल चेंज इन टू यू नो कैन यू नो

Uh, right i was here you have to write okay my aunt told me that i was right here are you know simple present change into simple past i was let for the party you you know pronoun that means refer to me okay i i was led for the party right then next question here she said we are going to begin the party right now you know here the reporting verb is in the simple past and reported verb are going, present continuous. So here present continuous will change into past continuous, and you know here the adverb of time now will change into then. Right? So here you have to write. Okay, here she informed, right? She informed that they okay. So here pronoun will also be changed. They are going, will change into we are going.

हिियर ओके द प्रिंसिपल रिप्लाइड दैट ही हार्ड तो आई नो यस आई रेफर्स टू द प्रिपल ही हार्ड ऑलरेडी फॉर गिवेन यू मीन्स येस मी हि आर प्रेजेंट पर्फेक्ट आई हैव चेंजेस इन टू हार्ड दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इन टू पास्ट पर्फेक्ट हि हार्ड ऑलरेडी फॉर गिवेन राइट दे नेक्स्ट क्वेश्चन हियर सी सेट टू हिम आई विवर डू इट अगेन राइट टू यू नो दिस इज ए वन टाइप ऑफ यू कैन से प्रॉमीज टू हियर आज यू नो द रिपोर्टिंग सिंपल पास्ट एंड रिपोर्टेडल फ्यूचर आई विल राइट टू हियर यू हव टू राइट हियर ओके सी प्रॉमिस्ड दैट सी उड

So, as you know, here the reporting verb simple past and reported verb is, you know, this is uh, imperative sentence, simple present, right? So, here you have to write. Okay. So, here the doctor advised or suggested my mother to eat. So, here two plus infinitive structure will be followed. Okay. The doctor advised or suggested my mother to eat at.

হি চেট ওকে হি ট'ল মি দে ওকে মে নট উল চেঞ্জ ইন টু মাইট নট দে মাইট নট ইনভ হিম তো আজি নো হি মি ৰেফৰ্ড টু ইয়ি টু হিয়াৰ টু হিয়াৰ মি উল চেঞ্জ ইন টু হিম হি ট'ল মি দেট দে মাইট নট ইনভ হিম ৰাইট দেন নেক্সট কেশচন হিয়াৰ The secretary of the school said to my father, The school shall serve the society. So, you know, here the reporting for simple past and the reported for you know, simple future shall serve. It will change into should serve, right? So, you know, this is one type of assurance, okay? Assured. So, here you have to write. okay, so here the secretary of the school assured my father that the school should serve the society. right? So, uh, serve will change into should serve. okay. the next question here. you must tell amit. the students enjoyed your works of very much. as you know, here the reporting verb is yes, must. so here there will be no change in the tense form. in रिपोर्टेड क्लच तो हिय यू नो रिपोर्टेड क्लच दूर सिंपल पास रिमेन सेम सिलर यू टू राइट ओके मस्ट टेल अमितर द मीन्स इज रेफर टू अमित राइट हिज वॉर्स अ वेरी मच क्लियर अंजलि टोल्ड द प्रिंसिपल आई एम सॉरी फॉर माई मिसबिहेवियर हियर द रिपोर्टिंग भर सिंपल पास्ट एंड द सिंपल प्रेजेंट आई एम राइट तो यू नो हियर आई एम विल चेंज इन टू यस वॉच राइट तो यू नो दिस इज वन टाइप वी कैन से रिग्रेटेड राइटर यू हे राइट अंजलि बेग्ड यू कैन राइट हि बेग अंजलि बेग्ड एक्सक्यूज टू द प्रिंसिपल शी वॉज सॉरी फॉर अर मिसबिहेवियर राइट देर पंक्चर्ड द फॉलोइंग पैसेज वन हेज बीन डन फॉर यू पंक्चर्ड मीन्स यू टू हेयर यू है ओके कमा आ फुल स्टॉप एक्सपलामेशन मार्क क्वेश्चन मार्क और यू हैव टू कैपिटलाइज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस राइट तो हियर यू हैव टू पंक्चुएट इट द हियर द आंसर ओके यू नो हियर कैपिटल एंड यू नो यू हैव टू यूज युअर फुल स्टॉप देन हियर कैपिटल लेटर देन यू हैव टू यूज युअर कमा वाज राइट देन हिअर फुल स्टॉप देन हियर यूज कैपिटल लेटर दे टी राइट एंड हियर फुल स्टॉप देन यूज कैपिटल लेटर ओके capitalize the first letter the t then use your full stop then the other frogs uh, here also use the capital letter write the t uh, then use your full stop to end the sentence then finally f should be capitalized then use comma right then at the end use full stop then here use ok capitalize the first letter then end the sentence with full stop then here capitalize the first letter t then here ends the sentence with full stop and also here कैपिटलाइज़ इज द फास्ट लेटर ए आर्ट हियर लुक एट ऑफ़ वर्ड्स इन कॉलम ए राइट इन कॉलम बी वेदर दे आर एंटोनिम्स सिनोनिम्स और होमोफोन्स तो आज यूनो एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट सिनोनिम्स मीन्स सेम वर्ड राइट होमोफोन्स मीन्स नो Pronunciation is same, but you know, meaning and spelling is different, right? So, night day, so, you know, night and day, both are the opposite words, right? So, you have to write your antonyms. The next, great, great, So, you know, here the pronunciation same, but the spelling different, So, you know, this is homophone, right? The next, right, correct, so, you know, this is synonyms, same meaning, right? So, you have to, so here you have to mention synonyms. The next, cell, cell. तो यू नो यस दिस इज यू हियर द प्रोनाउनसेसन सेम दैट मीन्स हियर होमोफोन्स फेयर आन फेयर तू यू नो दिस इज ऑपोजिट फेयर ओके तो यू हैव टू राइट एयर एंटोनिम्स देन नेक्स्ट गुड वेल यस गुड वेल यू नो सिनोनिम्स सेम वर्ड सेम मीनिंग राइट यू हैव टू राइट एर सिनोनिम्स देन साउ स्क्रीम साउट टू स्क्रीम्स यू नो येस दिस दिसज वर्ड ऑल्सो यू नो सिनोनिम्स देक्स्ट बाय बाय Here spelling different but the pronunciation same. Do you know this is homophones? The next left right. As you know, this yes, this is opposite. That means antonyms. The next quick slow. Yes, do you know this is antonym, right? Antonyms opposite. Clear? I think uh, this video will help you. If you find any doubt, you can comment in the comment box. Okay. Thank you.